Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now open your ENV textbook page number 24 and exercise A. Today we are going to do exercises from the textbook. So let's read the exercise and you also have to repeat with me. Okay, aapko repeat karna hai. Right, true or false? Means here, if the statement is true, so you will write T-R-U-E, true. And if the statement is wrong, means false, so you will write with spelling F-L-S-E, false. So, let's read. We should never, C-H-E-A-T, which spelling is this? Cheat while playing a game. So, is it right? Yes, it is absolutely right. We should never cheat while playing a game. हमको जब game खेलते हो तब कभी भी cheating करनी नहीं चाहिए. So this statement is true. So write over here T-R-U-E, true. Now the next one. Which spelling is this? B-A-D-M-I-N-T-O-N, badminton. Which spelling is this? Badminton does not require special equipment. Now we all play badminton, right? So in badminton, equipments are required because bat and minton that are required. Without bat and minton, we cannot play this game. So here it is written, badminton does not require special equipment. Yahan pe aisa likha hua hai ki badminton mein koi extra equipment nahi chahiye. So this statement is false. What you have to write here? F-A-L-S-E, false. Now number 3. It is good to take a break from work. Is it right? कि आप agree करते हो कि जो हम बहुत सारा काम करते हैं उससे break लेनी चाहिए? Yes. It is good to take a break from work. हमको work से break भी लेनी चाहिए. अगर हम कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे तो हमारी वर्क करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो भी डाउन हो जाएगी, है ना? इसलिए हमें रिचार्ज होने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है और ब्रेक के बाद हम वापस रिचार्ज होते हैं और एकदम अच्छे से अपना वर्क कर सकते हैं, है ना? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, T-R-U-E, ट्रू. नंबर 4, इट इज ऑल राइट टू टीज द लूजिंग टीम. टीज मतलब क्या होता है? चिढ़ाना. टी ई ए एस ई, टीज. टीज का मतलब है चिढ़ाना. अगर कोई हम अच्छे है, हमारा फर्स्ट रैंक आया है या ऐसा है और कोई बेचारा फेल हुआ है तो आप उसको चिढ़ाते हो, अरे तू तो बुद्धू है, तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तुझे तो लास्ट रैंक आया, ऐसा नहीं, उसको टीजिंग बोलते. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. भले ही आप कभी कभी गेम्स में भी आप बहुत बार ऐसा करते होते हो कि आप अगर विन होते हो एंड सामने वाली टीम है, जो सामने वाली टीम है वो मैच हार गई है या गेम हार गई है, तो आप उसको चुड़ाते हो, लूजर लूजर ऐसा करके बोलते हो. सो वी शुड नॉट स्पीक लाइक दैट. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल राइट टू टीज द लूजिंग गेम. और ये अच्छी बात है, मतलब ये होना चाहिए कि कोई टीम लूज हो रही है तो उसको हम चिढ़ाए. नो, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी रॉन्ग. सो हियर यू हैव टू राइट F-L-A-S-E, फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट, गोइंग टू द सर्कस और द जू इज अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. सर्कस में जाना या तो जू में जाना, ये भी एक टाइप के रिक्रिएशन है. यस, इट्स नॉट लाइक दैट ओनली गेम्स आर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन में आप ब्रेक लेते हो तो आपकी पसंद की जो भी आप थिंग्स करते हो, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन. मीन्स लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवी, दैट इज ऑल्सो वी कैन से रिक्रिएशन, राइट? सो हियर द स्टेटमेंट इज T-R-U-E, ट्रू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स रीड एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, रीड विथ मी. Complete the following sentences. Your sentences are given and you have to complete it. Games help us to break. Games हमको किससे break करवाती है? From our daily routine. See, it is as per the unit.
ये जैसा यूनिट में है ना वैसा ही है. गेम्स हेल्प अस टू ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन. जो हमारा डेली रूटीन है ना उससे हमें क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एट स्कूल्स एंड एट होम. और हम घर पे और स्कूल पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हैं. इफ द रूल्स आर नॉट क्लियर, अगर कोई गेम्स के रूल क्लियर नहीं होते, इट कैन, तो क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड फाइट. है ना, ये तो बहुत ही राइट बात है, क्योंकि अगर कोई गेम है उसमें रूल्स क्लियर नहीं है तो चीटिंग हो सकती है और दूसरे प्लेयर्स के बीच में फाइट हो सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है. सो द स्टेटमेंट इज लाइक दिस, इफ द रूल्स आर नॉट क्लियर इट कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड फाइट. अगर वो गेम्स के रूल क्लियर नहीं है तो प्लेयर्स में फाइटिंग हो सकती है. नाउ डैश आर सम फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन. कौन कौन से, गोइंग फॉर अ पिकनिक एंड टू द जू. पिकनिक में जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू द जू. These are also some forms of recreation, right? उसको हम क्या बोलेंगे, some form of recreation. A circus has a dash. Circus में क्या होता है, A circus has a huge colorful tents. आपको याद है ना जब वो boy था unit में, वो circus में गया तो उसने क्या देखा, It was a very big, है ना, very big tent with colorful, different colorful टेंट एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट लाइट. और कैसी लाइट थी, एकदम ब्राइट चमकदार लाइट से वो डेकोरेट किया हुआ था उसका पूरा टेंट. सो यू हैव टू राइट दिस. आपको ये सारी जो है वो सेंटेंसेस ब्लैंक से वो टेक्स्ट बुक में कर लेना है. एंड दिस ट्रू फॉल्स ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक. नाउ लेट सी द थर्ड क्वेश्चन. वॉट इज थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट. तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए है एंड रिलेटेड टू दैट यू हैव टू राइट द आंसर्स. सो वॉट आर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर एंड आउटडोर गेम्स क्या है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. और हमें इंडोर और आउटडोर गेम्स के एग्जाम्पल्स देने हैं. एंड द नेक्स्ट इज सी दिस क्वेश्चन एंड आंसर यू विल राइट इन योर नोटबुक. ये आपकी नोटबुक में लिखने वाले हो. नंबर टू, नेम एनी टू गेम्स दैट यू कैन प्ले ओनली एट योर स्कूल. आपको यहाँ पे दो गेम्स के नाम देने हैं जो आप सिर्फ आपकी स्कूल में ही खेल सकते हो. गिव रीजन फॉर योर आंसर. और आपके आंसर के लिए रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों. थर्ड है, राइट एनी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल प्लेइंग अ गेम. वेन यू आर प्लेइंग अ गेम विच टू थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड. आपको कौन सी टू थिंग्स है आपके माइंड में रखनी है वो वाली. एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम्स. और गेम खेलना क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, गेम खेलना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी. एंड द लास्ट इज Why do you think it is important to have rules in games? और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि गेम्स में रूल्स होने चाहिए. Why the rules are important in games? So rules तो important होने ही चाहिए. अगर rules नहीं है तो क्या होगा, confusion, fight होगी. इसलिए rules तो बहुत ही important है. Okay, so this answer we will write in the notebook. So take out your notebook and if you want to write with me, you can. So in your notebook, here you have written hard words of unit number 3. And in the next page, you have to write like this. Write exercise C. Answer the following questions. Write the first question. If you want to write from the textbook, you can. Let's read. What are indoor and outdoor games? Indoor and outdoor games क्या है? Give two examples of each. और indoor और outdoor games के आपको क्या देने हैं, examples देने हैं. So see here, games played in large field or park are called outdoor games. That we all know, some games cannot play inside the house. So these games are played in large field or park. आई बात समझ में, games played in large field or park
आर कोल्ड आउटडोर गेम्स, ऐसी गेम्स जो लार्ज फील्ड बहुत बड़े मैदान में या तो पार्क में खेली जाती हो उस टाइप की गेम्स को हम आउटडोर गेम कहते हैं। वी मे ऑल्सो नीड स्पेशल ट्रेनिंग, और आउटडोर गेम्स कभी कभी ऐसी भी होती है तो उसको खेलने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए एंड इक्विपमेंट ऑल्सो टू प्ले दिस गेम्स। वी मे नीड ऑल्सो स्पेशल ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स टू प्ले दिस गेम, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल एंड क्रिकेट, सो फुटबॉल ऑल्सो नीड स्पेशल इक्विपमेंट एंड वेरी लार्ज फील्ड, क्रिकेट ऑल्सो नीड स्पेशल इक्विपमेंट एंड लार्ज फील्ड, सो फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ आर वी कैन से आउटडोर गेम्स। विच गेम्स? आउटडोर गेम्स, अंडरस्टैंड? नाउ सी हियर नेक्स्ट, हमको क्वेश्चन में दिया है ना आउटडोर एंड इनडोर दोनों गेम्स के बारे में लिखना है। व्हाट आर इनडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स के बारे में तो हमने सीखा, लेकिन इनडोर गेम्स क्या है? गेम्स प्लेड इनसाइड द हाउस, ऐसी गेम जो घर के अंदर खेली जाती हो और इन एनी कवर्ड प्लेस, और कोई भी कवर्ड प्लेस में खेली जाती हो। आई बात समझ में? हम उसको पार्किंग में भी खेल सकते हैं, आपके बिल्डिंग के पार्किंग में आप खेल सकते हो, या तो आपके घर के अंदर खेल सकते हो। ऐसी जो थिंग्स है, ऐसी जो गेम्स है, दीज आर कॉल्ड इनडोर गेम्स। गेम्स प्लेड इनसाइड द हाउस और इन एनी कवर्ड प्लेस आर कॉल्ड इनडोर गेम्स। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल लूडो एंड कैरम, सो यू ऑल नो दैट लूडो एंड कैरम वी कैन प्ले इन द हाउस, हम हमारे घर में भी खेल सकते हैं। सो दिस टू गेम्स आर वी कैन से इनडोर गेम्स। वी हैव रिटन ओनली टू गेम्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट ओनली टू गेम्स आर इनडोर, और भी बहुत सारी गेम्स होती है जो इनडोर गेम्स होती है। ओके, सो थिंक अबाउट दैट गेम्स एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नेम एनी टू गेम्स that you can play only at your school, give reason for your answer। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको क्या देना है, कौन सी गेम्स ऐसी है जो आप स्कूल पे खेल सकते हो और क्यों खेल सकते हो, उसका रीजन देना है। सो आंसर इज गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट आर द गेम्स That can be only played at school। आई बात समझ में? जैसे कि क्रिकेट है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हमको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, राइट? टू टीम्स होती है, उसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो सबके पास तो नहीं होते, इसलिए स्कूल में ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है ना। आपका जब स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो आप क्या करते हो, आपके डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर जो भी आपको गेम्स खेलनी है वो इक्विपमेंट लेके आते हो, और पूरा क्लास होता है तो आप टीम में खेल सकते हो। सो क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द गेम्स दैट कैन बी ओनली प्लेड एट द स्कूल एज इट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, और वहां पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो आपके सर होते हैं या मैडम होते हैं पीटी के, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए, कैसे बैट पकड़ना चाहिए, कैसे बैटिंग करनी चाहिए, कैसे बॉलिंग करनी चाहिए, है ना? तो ये सब आपको बताते हैं। एंड इक्विपमेंट टू प्ले दिस गेम्स, आई बात समझ में? सो फुटबॉल एंड क्रिकेट ऐसी गेम्स है जो हम स्कूल में खेलते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए होती है और इक्विपमेंट भी चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज नंबर 3, राइट एनी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल प्लेइंग अ गेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स माइंड में रखनी है जब भी आप गेम खेल रहे हो। राइट एनी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल प्लेइंग अ गेम। विच आर दी थिंग्स, जो आप खेलते हो तो आप माइंड में रखते हो क्या? डू नॉट हर्ट एनी वन फिजिकली और यूज बैड वर्ड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डू नॉट हर्ट फिजिकली। कोई भी गेम खेल रहे हो, किसी को आपको जानबूझ के धक्का मारना या उसको हर्ट करना ताकि वो हार जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती से हो जाए तो उसको सॉरी बोल दो, माफी मांग लो कि ये गलती से हो गया, लेकिन जानबूझ के तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।
और यूज बैड वर्ड्स, वी शुड नेवर यूज बैड वर्ड्स गेम्स में भी नहीं और ऐसे फ्रेंड्स में भी नहीं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि गेम्स के टाइम ही हमको नहीं यूज करने चाहिए, बाकी टाइम हम ऐसे बैड वर्ड यूज करें, बट नेवर यूज बैड वर्ड्स। एंड इफ यू लूज द गेम, अगर आप गेम हार चुके हो, Do not forget to congratulate. अगर आप गेम हारे हो फिर भी आपको क्या करना नहीं भूलना चाहिए, congratulate करना नहीं भूलना चाहिए। आई बात समझ में? आप किसको congratulate करना चाहिए? आपकी जो सामने वाली टीम है, जो हमारे साथ हमारे opposite होती है ना, उसको rival team कहते हैं। क्या बोलते हैं? Rival team. And shake hands with your rival teammates. आई बात समझ में? और आपको handshake करना है किसके साथ? आपके टीममेट्स के साथ। ओके, सो लेट्स रीड अगेन। कौन सी थिंग्स आपको माइंड में रखनी चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा? डू नॉट हर्ट एनीवन फिजिकली और यूज बैड वर्ड्स। किसी को भी फिजिकली हमको हर्ट नहीं करना चाहिए और बैड वर्ड नहीं बोलने चाहिए। एंड इफ यू लूज द गेम, और अगर आपने गेम को लूज किया है, तो Do not forget to congratulate, और जो जीते हैं उसको congratulate करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। And shake hands, और handshake करना भी नहीं भूलना चाहिए with your rival teammates, आपकी rival teammates के साथ। हमें आपके जो rival teams है वो जीती है फिर भी उसको congratulations करना है और क्या handshake करना है। ओके, तो ये आपको कभी भी भूलना नहीं है। Now let's see the next question. The next question is, why is it important to play games? Games khelna kyun important hai? Why is it important to play games? So ye to hum sab jante hain, kyunki games hoti hai usme हमको एक्सरसाइज करनी होती है, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, तो एक्सरसाइज होता है, तो ये फिजिकली भी बहुत अच्छी होती है गेम्स। गेम्स हेल्प टू डेवलप टीम स्पिरिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो टीम गेम्स होती है तो क्या होता है, टीम स्पिरिट होती है, मतलब कि हम अकेले नहीं खेल रहे, सबको साथ में लेके सबके लिए खेल रहे, राइट? उसमें ऐसा होता है कि हमारी टीम जीते, कोई पर्सनल नहीं होता है कि मैं ही जीतू, पूरी टीम को जिताने के लिए सब वर्क करते हैं, सो टीम स्पिरिट बढ़ती है। वेदर वी प्ले एट स्कूल, कि हम स्कूल में खेले या तो घर में खेले, राइट, और एट होम। वी शुड इंक्लूड एवरीबॉडी, और हमको सबको इंक्लूड करना चाहिए व्हाइल वी प्ले। वी शुड इंक्लूड एवरीबॉडी व्हाइल वी प्ले। प्लेइंग गेम्स आल्सो हेल्प अस टू स्टे फिट, गेम्स हमको और भी हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? फिट रहने में, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी होती है जैसे लूडो और कैरम है तो बैठे बैठे खेलते है, लेकिन क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, जैसे वो फ्री स्टैक ऐसी जो गेम है ना, उसमें दौड़ना होता है, जंप करना होता है, तो ये एक टाइप की एक्सरसाइज ही हो जाती है। साइकिलिंग करते हैं, रोप स्कीपिंग करते हैं, सो दीज आर ऑल्सो वी कैन से पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के ही पार्ट है। तो आप क्या बनोगे? फिट। आप कैसे बन जाओगे? फिट बन जाओगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक घंटा खेल रहे हो तो आप दौड़ रहे हो, आप कूद रहे हो, रोप स्कीपिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एक एक्सरसाइज हो ही गई, फिर आपको अलग से एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये भी गेम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्ले फिट, टू स्टे फिट। आई बात समझ में? फिट रहने के लिए गेम्स खेलना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव रूल्स इन गेम्स? आपको क्या लगता है कि गेम्स में रूल्स होना इम्पोर्टेंट है? ये तो होना ही चाहिए, वरना क्या होगा? अगर रूल्स नहीं होगा तो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, सब अपनी अपनी गेम चलाएंगे और क्या होगा बाद में? कंफ्यूजन, फाइट। तो वो ना होना, इसीलिए गेम्स में रूल रखे जाते हैं। सो लेट राइट द आंसर। प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स अवॉइड कंफ्यूजन, वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम खेलते हैं तो क्या होता है? कंफ्यूजन अवॉइड, अवॉइड मीन्स उसको टाल सकते हैं। एंड फाइट्स,
फाइटिंग को भी डाल सकते हैं। और क्या होता है, इट मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द गेम, और गेम की स्पिरिट मेंटेन करते हैं। ओके, तो आपको आज क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नोटबुक में लिखने हैं, और ये एक्सरसाइज ए एंड बी टेक्स्ट बुक में कम्प्लीट करनी है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।